बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वन चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर 4 का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके अंदर हमें मुख्तलिफ किस्म की फ्रैक्शंस दी होंगी और हमें कहा जाएगा कि हमने इनको पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर लेके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशंस देख लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट जो कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। अ रैशनल फंक्शन एन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ये एन एक्स और डी एक्स दो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल हैं दोनों। विद डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल एन एक्स इन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल डी एक्स इन द डिनोमिनेटर। अच्छा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि जब आपके पास जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन है उसमें एक्स की वैल्यू जो है ऊपर ज़्यादा होती है और नीचे कम होती है। अगर इसमें देखें तो ऊपर वैल्यू एक्स की 0 है, नीचे 1 है। इसमें देखें तो ऊपर एक्स की वैल्यू 1 है, नीचे 2 है। तो वो फ्रैक्शन जिसमें एक्स की वैल्यू ऊपर कम होती है, नीचे ज़्यादा होती है, उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि वो फ्रैक्शन जिसमें एक्स की ऊपर वैल्यू कम है लेकिन नीचे वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड हमारे पास आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसके बिल्कुल उलट होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक्स की ऊपर पावर कम होती है, नीचे ज्यादा होती है। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि एक्स की ऊपर पावर ज्यादा होती है, नीचे पावर जो है वो एक्स की कम होती है या बराबर होती है। ठीक है, अ रैशनल फंक्शन एन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स विद डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल डी एक्स। ठीक है, तो अगर तो ऊपर पावर और नीचे की पावर बराबर है तो वो तो भी वो इम्प्रॉपर है, अगर ऊपर पावर ज्यादा है और नीचे कम है तो भी वो इम्प्रॉपर है। ठीक है, प्रॉपर की एक ही कंडीशन है। प्रॉपर की सिर्फ ये कंडीशन थी कि ऊपर पावर कम हो नीचे पावर ज्यादा हो तो वो होगी इम्प्रॉपर होगी। ठीक है, वो प्रॉपर, जबकि इम्प्रॉपर में दो तरह की आएंगी। एक, अगर ऊपर पावर और नीचे पावर बराबर आ गई तो वो तो भी वो क्या होगी? इम्प्रॉपर होगी। और अगर ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है तो भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक फ्रैक्शन आती है पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, हमारे पास बहुत सी फ्रैक्शन अगर हों और वो सारी अलग अलग हों, यहाँ पे देखें तीन फ्रैक्शन है और तीनों अलग है। जब फ्रैक्शन अलग अलग होती हैं तो उनको कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, जब फ्रैक्शन अलग अलग हों तो उनको क्या कहा जाता है? पार्शियल फ्रैक्शन। और जब ये फ्रैक्शन इकट्ठी हो जाएं तो उनको कहा जाता है रिजल्टेंट फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शंस अलग अलग होंगी तो उनको हम क्या कहेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। और जब फ्रैक्शन इकट्ठी हो जाएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमें दिए होंगे रिजल्टेंट फ्रैक्शन के अंदर, हमने उनको पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाना है। अब हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, मुख्तलिफ तरह की जो है ना हमें फ्रैक्शंस दी जाएंगी यहाँ पे, और ये जो फ्रैक्शंस दी जाएंगी ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में हमें फैक्टर नजर आ रहे हैं। तो कोई भी जब हमें चैप्टर 4 के अंदर जो रिजल्टेंट, इसको रिजल्टेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है कि रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमें दी हुई है तो हमने इसको पार्शियल में लेके जाना है। पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि हमने हर फ्रैक्शन को अलग अलग करना है। तो हमें जो भी रिजल्टेंट फ्रैक्शन दी होगी उसके नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बने होते हैं, तो इन्हीं फैक्टर्स की बेस पे ना ये डिफरेंट किस्म की जो है पार्शियल फ्रैक्शन होती है। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है 4 पॉइंट एक्सरसाइज का, उसमें कहा गया है कि ये जो फ्रैक्शन आपको दी गई है इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाना है। ठीक है, तो इसमें जो डिनोमिनेटर है, देखें डिनोमिनेटर में एक्स की पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, एक्स की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 है और यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 है। तो एक्स की पावर जब 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर फैक्टर। ठीक है, लीनियर फैक्टर।
ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो किस वाली है, लीनियर फैक्टर वाली है। चैप्टर 4.1 के अंदर 4.1 जो एक्सरसाइज है इसमें हमें जो पार्शियल फ्रैक्शन दी गई है वो लीनियर फैक्टर्स की दी गई है, ठीक है। आगे 4.2 के अंदर क्वाड्रेटिक भी आएंगे, डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स आएंगे, लेकिन ये या आपने याद रखना है कि 4.1 के अंदर हमें जितने भी फैक्टर्स जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो उनके जो नीचे फैक्टर्स होंगे वो सारे लीनियर होंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है क्योंकि सारी कहानी इन्हीं फैक्टर से स्टार्ट होगी पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, लीनियर होंगे 4.1 के अंदर। अच्छा, केस वन है, केस एक्सरसाइज के अंदर केस वन ही हम डिस्कस करेंगे। और इस तरह का देखें, ये क्वेश्चन दिया होगा हमारे पास, ऊपर एन एक्स है ये, यानी कि ऊपर कोई पॉलीनोमियल होगा और नीचे उसके फैक्टर होंगे ऐसे, एक ये वे फैक्टर है और दूसरा ये फैक्टर है। अब हमने इसको लिखना कैसे है, अब हमने इसको लिखना कैसे है, लिखने का तरीका ये है कि हमने क्या करना है, ये है रिजल्टेंट फ्रैक्शन। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि नीचे जो फैक्टर्स हैं ये लीनियर फैक्टर हैं, ठीक है। 4.1 के अंदर नीचे जो फैक्टर्स हमें दिए हुए हैं वो लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं। अच्छा, हमने करना क्या है कि रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमें दी हुई है, हमने इसको लेके जाना है पार्शियल फ्रैक्शन में। ये पूरी रिजल्टेंट फ्रैक्शन लिखी है, जैसे ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाएं तो ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो केस वन है ये क्या कहता है, अगर हमारे पास इस तरह की पार्शियल फ्रैक्शन आए तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास अगर ऐसी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है कि जिसके लीनियर फैक्टर्स हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम ए डिवाइड बाय ए फैक्टर प्लस बी डिवाइड बाय दूसरा फैक्टर, ठीक है। ये हमारे पास फ्रैक्शन है 7x-9 डिवाइड बाय x+1 x-3, इसको हम क्या लिख सकते हैं ये, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ए डिवाइड बाय पहला फैक्टर, पहला फैक्टर हमारे पास कितना है x+1 प्लस बी डिवाइड बाय दूसरा फैक्टर x-3, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये इसको सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है। ये हमें रिजल्टेंट फ्रैक्शन थी, और रिजल्टेंट फ्रैक्शन में अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आएंगे तो उनको हम उस पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे कि ए डिवाइड बाय उसका पहला फैक्टर प्लस बी डिवाइड बाय उसका दूसरा फैक्टर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ लग गई कि जब हमें लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन वो दी हो जिसमें उसके फैक्टर जो हैं वो लीनियर हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस बी डिवाइड बाय सेकंड फैक्टर, और अगर तीसरा फैक्टर होता तो हम प्लस सी करके तो उसको लिख लेते, अगर चौथा फैक्टर होता तो प्लस डी करके तो उसको लिख लेते। लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन नहीं दी हुई, सिंपल सी फ्रैक्शंस हैं कि दो फैक्टर थे, हमने ए करके तो पहला लिखा और बी करके दूसरा लिखा। अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, यहाँ तक हमने लिख लिया पहला स्टेप का। अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है ए की और बी की, ठीक है। उसके लिए ये जो इक्वेशन वन हमें नजर आ रही है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, ये देखें 7x-9 डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, x+1 x-3। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन होती है इसका जो डिनोमिनेटर होता है, अच्छा फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा ए डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस बी डिवाइड बाय सेकंड फैक्टर। अब जो सेकंड स्टेप हमारा होगा उसमें हमने ये जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमें दी होगी, रिजल्टेंट फ्रैक्शन इसका जो डिनोमिनेटर होगा इसको हमने इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये जो इसका डिनोमिनेटर का ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने इस साइड पे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें क्या आएगा, x 7x-9 इज इक्वल टू ए इंटू x+1 x-3 डिवाइड बाई x+1 प्लस बी, बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x+1 x-3 डिवाइड बाई x-3। अब x+1 x+1 कट जाएगा यहाँ से, x-3 x-3 कटेगा, तो 7x-9 इज इक्वल टू ए इंटू x-3 प्लस बी इंटू x+1, इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारे पास। अच्छा, सेकंड स्टेप भी हो गया। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था कि जो हमें रिजल्टेंट फ्रैक्शन थी
उसके जो फैक्टर्स थे, हमने ए डिवाइड बाय पहला फैक्टर लिखा प्लस बी डिवाइड बाय दूसरा फैक्टर लिखा। फिर हमने क्या किया कि रिजल्टेंट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर था उसको हमने दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया। दो स्टेप हो गए, हमने बेसिकली अब वैल्यूज ए और बी की फाइंड करनी है और उसको इक्वेशन वन में पुट कर देंगे तो ये हमारी जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन थी ये पार्शियल फ्रैक्शन में चली जाएगी। लेकिन अब आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे फाइंड होंगी? अब ये जो फैक्टर्स हमें दिए हुए थे ना, ये देखिए x+1 और x-3, x+1 इन फैक्टर्स को हमने बारी बारी जीरो के इक्वल पुट करना है और वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी। फिर हमने दूसरे फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करना है, वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम इस फैक्टर को पुट कर लेते हैं। ये जो है फैक्टर, दो फैक्टर थे, एक था एक है एक्स मान बी एस इसको लिख लेते हैं, एक फैक्टर है हमारे पास x-3 और एक है x+1। दोनों में से जिस मर्जी को पहले जीरो के इक्वल पुट कर दें तो हम चले x-1 को पुट कर लेते हैं। बोथ x-3 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x कितना आ जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। जब हमने एक फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट किया, दो फैक्टर हैं तो ये आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को पहले आप जीरो के इक्वल पुट कर दें। तो हमने x-3 को पुट किया था तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो ये x की वैल्यू 3 अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट इन टू, वी गेट इक्वेशन 2 में पहले नंबर पर 7 है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, 3 पुट कर दिया यहाँ पे, आगे -9 इक्वल टू ए, आगे एक्स 3-3 प्लस बी, आगे x+1। तो 7 3 से मल्टीप्लाई कर 21, -9 इज इक्वल टू ए, 3-3 0 प्लस बी कितना हो जाएगा 4। तो 21 से -9 निकलेगा तो पीछे 12 इज इक्वल टू 0, जब ए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 4b। अच्छा, हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू b, a चूंकि खत्म हो गया है 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 1 4, 4 3 12, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। ठीक है। अच्छा, अब जो फैक्टर x-3 को इक्वल टू हमने 0 के इक्वल जब पुट किया तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है x+1, तो हम करते हैं कि पुट x+1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कितना आ जाएगा -1, x ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 की। पुट इन 1 2, सॉरी वी गेट तो 7 इंटू -1, -9 इज इक्वल टू ए, एक्स -1 -3 प्लस बी -1 +1, तो ये हो जाएगा -7 -9 इज इक्वल टू ए -1 -4 प्लस बी -1 +1 0, तो बी 0 हो जाएगा। -7 -9 कितना हो जाएगा -16 इज इक्वल टू -4a, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 को इस साइड पे लेके जाएं तो 16 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 4 16 4 4 16, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है बी। अब हमारे पास b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 4 है। अब हमने a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में देखें, a और b की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है तो हमारी जो फ्रैक्शंस थी वो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, हमारी जो फ्रैक्शंस थी वो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि पुट या पुट वैल्यूज ऑफ ए बी इन 1, तो 7x-9 डिवाइड बाय x+1, x-3 इक्वल टू ए, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 डिवाइड बाय x+1 प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो
ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस थ्री। तो ये हमने जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमें दी हुई थी हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप ये देखें ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन थी, ये मिक्स थी। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है हमने फ्रैक्शन अलग अलग करनी है। तो इसके अंदर कितनी फ्रैक्शन थी, दो फ्रैक्शन थी, एक ये वाली फ्रैक्शन थी और एक ये वाली फ्रैक्शन थी, हमने इन दोनों को अलग अलग किया। नेक्स्ट भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि एक्स माइनस इलेवन डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री के। अब यहाँ पे भी देखें फैक्टर लीनियर है, तो लीनियर फैक्टर का क्या फॉर्मूला तरीका है कि हमने इक्वल करके ए लिखना है और ए के नीचे हमने पहला फैक्टर लिखना है प्लस बी लिखना है और बी के नीचे दूसरा फैक्टर लिखना है। ठीक है, ये हमने तरीका पढ़ा था लीनियर, जब हमारे पास रिजल्टेंट फ्रैक्शन डी हो जिसके फैक्टर लीनियर हो तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हमने इक्वल लगा के पहले ए लिखना है, ए के नीचे पहला फैक्टर लिखना है प्लस बी लिखना है और बी के नीचे दूसरा फैक्टर लिखना है। तो उस तरह हम इसको लिखते हैं एक्स माइनस इलेवन डिवाइड बाय एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री के इक्वल टू ए डिवाइड बाय एक्स माइनस फोर प्लस बी इक्वल एक्स प्लस थ्री, इक्वेशन नंबर वन। तो अब हमने क्या करना होता है, ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप हमने किया कि जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन थी उसको हमने लिख लिया पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, अब ये जो फॉर्म है ये पार्शियल फ्रैक्शन है। तो अब हमने जस्ट ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे पुट करना है, तो हमारा आंसर आ गया था ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन थी और रिजल्टेंट को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लिया। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लिया, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते होते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन का ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन का ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको हमने दूसरी साइड पर जाके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा दूसरा स्टेप होता है। इस तो एक्स माइनस इलेवन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाय एक्स माइनस फोर प्लस बी एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाय एक्स प्लस थ्री के। तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस इलेवन इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर कट के ए आ जाएगा एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स प्लस थ्री कट के तो ये आ जाएगा एक्स माइनस फोर, इक्वेशन नंबर टू। फर्स्ट स्टेप में हमने रिजल्टेंट फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा। ठीक है, रिजल्टेंट फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि रिजल्टेंट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर था उसको दूसरी साइड पर जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वहां से इक्वेशन नंबर टू आ गई। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको बारी बारी जीरो के इक्वल पुट करना होता है। तो पहला फैक्टर एक्स माइनस फोर है तो इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं कि पुट एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो के, यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा फोर। तो एक्स की ये वैल्यू अब हमने कहाँ पे पुट करनी है, एक्स की ये वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर टू में, पुट इन टू वी गेट। अच्छा, एक्स माइनस इलेवन, एक्स की जगह हमने फोर पुट किया आगे, माइनस इलेवन इज इक्वल टू ए आगे एक्स है, एक्स जगह फोर प्लस थ्री प्लस बी एक्स माइनस फोर। अच्छा, फोर माइनस इलेवन माइनस सेवन हो जाएगा इज इक्वल टू ए, फोर प्लस थ्री सेवन प्लस बी फोर माइनस फोर जीरो। अच्छा, ये माइनस सेवन माइनस इज इक्वल टू सेवन ए प्लस बी, जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेवन को दूसरी साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सेवन वन जर सेवन सेवन वन जर सेवन, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस वन। ठीक है, पहले फैक्टर को हमने जीरो के इक्वल पुट किया था, अब हम एक्स प्लस थ्री जो दूसरा फैक्टर है उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो पुट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो का, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, माइनस थ्री। तो एक्स की ये वैल्यू हमने कहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन टू में, पुट इन टू वी गेट। अच्छा, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है, माइनस थ्री आगे माइनस इलेवन इज इक्वल टू ए माइनस थ्री प्लस थ्री आगे है प्लस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस फोर के, माइनस थ्री माइनस इलेवन माइनस फोर्टीन, ए कितना आ जाएगा, प्लस
प्लस थ्री माइनस थ्री जीरो, प्लस बी कितना हो जाएगा माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन की। अच्छा माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सेवन बी आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेवन को दूसरे साइड पे डिवाइड कर देंगे, बी सेवन वन जर सेवन, सेवन टू जर फोर्टीन, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है टू। अब ए की वैल्यू ये है माइनस वन, बी की वैल्यू ये है टू, और ए और बी की वैल्यू हमने कहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देनी है, तो हमारी जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पुट वैल्यूज ऑफ ए बी इन वन, वी गेट एक्स माइनस इलेवन डिवाइड बाय एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस फोर, और बी की वैल्यू कितनी है प्लस टू, बी की वैल्यू कितनी है एक्स टू और नीचे एक्स प्लस थ्री के। तो ये जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमें दी हुई थी ये वाली, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास कौन सी दो फ्रैक्शंस आई हैं, हमारे पास एक फ्रैक्शन है माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर और दूसरी है टू डिवाइड बाय एक्स प्लस थ्री। क्वेश्चन थ्री, हमारे पास थ्री एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा हमने तो पढ़ा है कि नीचे जो है वो फैक्टर्स क्या होंगे, लीनियर होंगे, लेकिन यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एक्स की पावर हमने टू नहीं लेनी, क्योंकि टू वाले तो हमने चीज़ पढ़ी नहीं। हमने तो अभी तक फर्स्ट केस पढ़ा है जिसमें फैक्टर लीनियर्स हैं, और इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन को हम ए कर ए लिखते, रिजल्टेंट फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं कि ए डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस बी डिवाइड बाय सेकंड फैक्टर, लेकिन यहाँ पे तो फैक्टर ही एक है और वो भी क्वाड्रेटिक है, तो इसको अब हमने क्या करना है, इसको हम कोशिश करते हैं लीनियर में कन्वर्ट करने की। अब लीनियर में कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए नीचे लिखा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वन का स्क्वायर वन के बराबर ही होता है, तो वन लिखें या वन का स्क्वायर लिखें, बात ये की है। अब देखिए इस ये एक्स का स्क्वायर है माइनस वन का स्क्वायर है, अब हमने इस पे फार्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फार्मूला जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, ठीक है, तो यहाँ पे हमने हल्की सी टिक लगानी है कि जो क्वाड्रेटिक था इसको हमने लीनियर में चेंज कर लिया है। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कुछ ऐसे भी क्वाड्रेटिक आएंगे जो चेंज नहीं होंगे, तो फिर हम अपनी मेथडोलॉजी जो है वो ये वाली यूज़ नहीं करेंगे जो अभी हम कर रहे हैं, फिर मेथडोलॉजी हम चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर हमें नीचे दिया हुआ था वो क्या हो रहा है, वो लीनियर में चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको लीनियर में चेंज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, तो हम क्वेश्चन अब क्या लिखा जा सकता है, क्वेश्चन को अब हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा बन गया है थ्री एक्स माइनस वन। अच्छा इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, अच्छा इसको क्या लिखा जा सकता है कि थ्री एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। अब हम उसी तरह इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं, यानी कि ए और बी वाली फॉर्म के अंदर, और फिर इसको सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं इसको, थ्री एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ए ए के नीचे लिखा पहला फैक्टर एक्स माइनस वन प्लस बी, और बी के नीचे लिखा दूसरा फैक्टर, इसको इक्वेशन नंबर हमने वन का नाम दे दिया। यह पहला स्टेप है। अब सेकंड हम स्टेप क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है उसको दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन।
एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन से कट गया, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन से कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x-1 इक्वल टू ए एक्स प्लस वन प्लस बी x-1 इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड सेकंड स्टेप भी हमने कर लिया कि डिनोमिनेटर को सेट पर मल्टीप्लाई किया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर हैं x-1 और x+1, इन फैक्टर्स को हमने बारी बारी जीरो के इक्वल पुट करना है। तो पहला जो फैक्टर है x-1, उसको हम जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। पुट x-1 इज इक्वल टू जीरो के, यहाँ से x कितना आ जाएगा 1। x की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, पुट इन टू वी गेट, तो 3 × 1-1 a × 1+1 + b × 1-1, तो 3-1 इज इक्वल टू a 1+1 2 + 1-1 0। 3-1 2 2a + b जो है वो 0 हो जाएगा। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो b को दूसरी साइड में हम डिवाइड कर देंगे, 2 / 2 इज इक्वल टू a, 2 1 2 2 1 2, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1। अब हमने सेकंड जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट करना है, वो है x+1। x+1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। इस -1 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, वी गेट, तो इक्वेशन 2 के अंदर कितना आ जाएगा, 3 × -1 - 1 इज इक्वल टू a − 1+1 + b − 1 - 1, तो ये -3 - 1, ए कितना आ जाएगा -1+1 0 + -2b, ए कितना आ जाएगा -4 इज इक्वल टू -2b। माइनस माइनस कैंसिल, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 को दूसरे पर डिवाइड कर देंगे, b 2 1 2 2 2 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अब हमारे पास ए और बी की जो वैल्यूज आई हैं उसको इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, पुट वैल्यूज ऑफ ए बी इन 1 वी गेट, तो 3x-1 डिवाइड बाय x-1 x+1 इक्वल टू ए, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, डिवाइड बाय x-1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2x+1, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x-5 डिवाइड बाय x² + 2x - 3 के, ठीक है, तो अब ये भी देखें लीनियर नहीं है, हमने तो लीनियर का अभी तरीका पढ़ा है, तो इसका मतलब है ये भी, इसको भी हमने लीनियर में चेंज करना है। उसको कैसे लीनियर में चेंज करते हैं, हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी हुई है कि जब हम हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी तो हम उसके फैक्टर्स बनाते थे, तो आप समझ लें ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके हमने फैक्टर्स बना के तो लिख देने हैं, x² + 2x - 3, ठीक है। फैक्टर कैसे बनते हैं कि एक्स केयर कोफिशियंट को हम मल्टीप्लाई करते होते हैं कॉन्स्टेंट टर्म से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा जब -3 से तो -3 आ जाएगा। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -3 आए, और जब हम दो उनको ऐड करें तो +2 आए, ठीक है, +2 मतलब एक्स का कोफिशियंट आए। तो ये कौन से दो नंबर हैं जिनको हम, एक है +3 और -1, ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो +2 आ जाएगा, इनके x² + 3x - x - 3, यहाँ पे x कॉमन ले लें तो x+3, यहाँ पे -1 कॉमन ले लें तो x+3, तो ये कितना हो जाएगा x+3 एंड x-1, ठीक है। ये नहीं कि x² + 2x - 3 के जब हमने फैक्टर बनाए तो हमारे पास क्या आ गया, x+3 और x-1, ठीक है,
इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड x माइनस 1। ठीक है, इसको हमने फैक्टर्स बना लिए। अब फैक्टर बन गए और फैक्टर भी लीनियर बने हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, इसको लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, एक्स माइनस 5 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1। पार्शियल फ्रैक्शन के ए लिखा उसके नीचे पहला फैक्टर, प्लस बी लिखा उसके नीचे दूसरा फैक्टर, ये होगी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को दूसरे साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स माइनस 5 ये डिनोमिनेटर है तो उसको दूसरे साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। एक्स प्लस 3 से कटेगा, एक्स माइनस 1 से कटेगा, एक्स माइनस 5 कितना आ जाएगा ए, एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 के। सेकेंड स्टेप भी हमने कर लिया। थर्ड स्टेप क्या होता है, जो फैक्टर्स होते हैं उसको जीरो के इक्वल पुट करना होता है। एक फैक्टर है एक्स प्लस 3, दूसरा है एक्स माइनस 1। तो पहले हम एक्स प्लस 3 को पुट कर देते हैं जीरो के इक्वल पुट, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन टू वी गेट माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू ए, माइनस 3 माइनस 1 प्लस बी माइनस 3 प्लस 1। माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 इज इक्वल टू ए, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस बी हो जाएगा 0। माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 4 ए, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 8 इज इक्वल टू 4 ए। हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 को उस साइड पे हम डिवाइड कर देंगे, ए डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ए, 4 वन जार 4, 4 टू जार 8, तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास 2। अच्छा, अब हम दूसरा फैक्टर जो एक्स माइनस 1 है इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, पुट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स कितना आ जाएगा 1। एक्स की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, पुट इन टू वी गेट तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू ए, 1 माइनस 1 प्लस बी 1 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 ए माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस बी 1 1 2 के, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 2 बी, ए 0 हो जाएगा, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 को साइड पर डिवाइड कर दें, 2 वन जार 2 2 2 जार 4 माइनस 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2। अब ए और बी की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास अच्छा बी की, यहाँ पे देखें एक मिस्टेक है, यहाँ पे बी कितना एक्स प्लस 3 है, तो यहाँ पे हमने बी तो एक्स की जगह हमने 1 लिख दिया है लेकिन प्लस 1 लिखा है, प्लस 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई हमारे से, यहाँ पे प्लस 3 लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये भी 4 4 डिवाइड बाय 4 बी, 4 वन जार 4, 4 वन जार 4, तो बी कितना आ जाएगा माइनस 1। अब ये वैल्यू है बी की और ये वैल्यू है ए की, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुट वैल्यूज ऑफ ए बी इन 1 वी गेट एक्स माइनस 5 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 ए, ए कितना है हमारे पास 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 और बी कितना है माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन थी इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया।